झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, सीसीटीवी कैमरा में मारपीट का विजुअल हुआ कैद। पुलिस मामले को शांत करने में जुटी। जिला के बिरौल थाना क्षेत्र रामनगर मोहल्ला स्थित नईम अख्तर गली में मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। वही सूचना मिलते ही 112 की गाड़ी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने में जुट गई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उन लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। दरअसल मुहर्रम को लेकर एक समुदाय के लोग शुक्रवार की देर शाम झंडा लेकर सड़क के किनारे गाड़ने लगे, जिसे देख दूसरे समुदाय के लोग इसका विरोध करते हुए कहने लगे कि यहाँ पर कबीर आश्रम है, इससे पहले यहाँ कभी भी मुहर्रम का झंडा नहीं लगा है, वैसे भी इस पोल में करंट आता है, यहाँ पर मत लगाओ। इसी बात पर बहस शुरू हो गई, जिस पर झंडा लगाने आए युवकों ने कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगे, जिसे देखकर आसपास के लोग की भीड़ जमा हो गई और मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत किया। वहीं बिरौल के एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने कहा कि शुक्रवार की शाम 8:30 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि नईम अख्तर गली रामनगर मोहल्ला में दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही गश्ती गाड़ी को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया। पूरा मामला कच्चे बांस में झंडा लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, लेकिन समय पर पुलिस मौके पर पहुंच मामले को शांत किया। फिलहाल वहां का माहौल पूर्णतः शांत है, पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। 8 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि नईम अख्तर गली में दो लोगों के बीच में कुछ झड़प हुआ है, और तुरंत गश्ती को रवाना किया गया। वहाँ पर देखा गया तो एक कच्चा बांस में जो है वो झंडा लगाने का मामला को लेकर के वो विवाद उत्पन्न हुआ था, इसमें करंट आ रही है और उसी की सुरक्षा के निहितार्थ जो है बोला गया था, इसको लेकर के जो है मामला आगे बढ़ता है। लेकिन गश्ती की गाड़ी और थानाध्यक्ष के कारण जो है वो आगे बात नहीं बढ़ पाए, वे सभी स्थिति सामान्य है और पूर्णतः ध्यान रखा जा रहा है उसे। सर, कोई अगर विवादित आज ऐसे लोगों पे कुछ? हाँ, मतलब उनके द्वारा जो उमेश शाह जी के द्वारा जो है वो लिखित आवेदन दिया गया है, उस पर उस पर ये चल रहा है, किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी उस पर। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।